हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, भारद्वाज फैमिली इन लंदन। सो अभी बज रहे हैं दिन के 6 और आज हमारे मेरे छोटे बेटे रुद्रा का बर्थडे है। सो हमने केक कटिंग वगैरह घर पे की थी और हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, एक इंडियन रेस्टोरेंट है। सो आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं। हेलो हेलो, गाइस, हम जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट नाउ एंड रुद्रा इज वेरी एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे। So, and he needs your wishes as well. Please do come in to say the wishes. रुद्रा, रुद्रा कहाँ गया? मेरा रुद्रा तो शर्मा रहा है। अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खुद भी होगा एक्साइटेड। कैसा लग रहा है अनमोल आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अनमोल को। और इसको भूख भी लग रही है बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट और आपको दिखाते हैं यहाँ पे इंडियन फूड कैसा होता है। लेट्स गो। हार्डली 2 या 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है रेस्टोरेंट का। सो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सामने ये रेस्टोरेंट है। सो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रोड क्रॉस कैसे करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब आपको दिखा आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल बटन होते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है और उसके बाद जब ये ग्रीन लाइन जैसे अब शो हो गई तो हम क्रॉस कर सकते हैं। जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं चेन्नई डोसा है हमारे यहाँ पे, डोसे की शॉप है। सो अभी हम पहुंच गए हैं, ये चेन्नई डोसा है, लाइक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। सो आज डोसे खाने के पीछे भी एक स्टोरी है। सो स्टोरी है कि जब रुद्र हुआ था, यानी कि 2017 में, तो उस दिन भी जब हॉस्पिटल में थे तो शाम को सबने डोसा ही खाया था। तो हमने सोचा कि आज फिर से डोसा ही खाया जाए और उन मेमोरीज को दोबारा से रिफ्रेश किया जाए। द्वारका में स्वामी डोसा, स्वामी डोसा था वहाँ खाया था, इसलिए तो फिर हमने सोचा कि उसी मेमोरी को दोबारा से रिफ्रेश किया जाए। तो आज हम डोसा खाएंगे, उत्तपम खाएंगे। वैसे यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट भी है, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है चटनी, वो वहाँ पे भी अच्छा खाना मिलता है। बट यू नो लाइक डोसा, इसके पीछे एक मेमोरी है हमारी, तो इसलिए हम लोग आज स्पेशल डोसा खाने आए हैं। ये रुद्रा और ये खाना है और ये पार्टी हो रही है। ये डोसा आ गया हमारा, और ये हमारा खाना आ गया है, डोसा एंड उत्तपम एंड नूडल्स, और इट्स लुक्स रियली यमी। सो हम लोग यहाँ पे पहले भी खा चुके हैं तो हमें पता है कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। सो अगर आप यूके में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं आसपास इप्सविच में, सो प्लीज़ यहाँ पे आइए और इसको टेस्ट कीजिए। इट्स लुक्स यमी। डोसा, उत्तपम, इंडियन खाना। अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, और उसके बाद देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है और आपको भी लेके चलते हैं। आ गए हैं सेंसबरी, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर मार्केट है यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा घर का सामान, बेसिकली दूध पनीर ये सब लेना था, तो फिर इसलिए हम आए हैं। चलो आपको भी लेके चलते हैं। Oh boy.
जैसे कि समर्स आ गई हैं, उसी तरीके से यहाँ पे समर्स के भी क्लोथिंग आ चुके हैं। तो सुंदर सुंदर शर्ट्स आ गई हैं। और ये है आपकी 14 pound की। और अब दिखाओ एक बारी, ये भी मेड इन इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ मेड इन इंडिया है। तो जैसे कि ये स्लीपर्स भी हैं, ये हैं 7 pound की। तो उसी तरीके से क्लोथिंग आ गई है यहाँ पे वेदर के हिसाब से। एक सुंदर सा बैग है, साइड बैग, सो ये है 16 pound का, अच्छा है। ये भी इतनी सुंदर लग रही है। ये ऑयल या विनेगर रखने के लिए बॉटल है, इसमें या तो आप विनेगर रख सकते हैं, कोई भी ऑयल रख सकते हैं। तो उसके लिए कितनी सुंदर सी है, डबल टाइप में। तो ये है 12 pound की। अगर आप छोटी लेना चाहते हैं तो छोटी में भी ये है ब्लू कलर की। तो ये भी इट्स लुक्स वेरी प्रिटी, लाइक सुंदर सी छोटी सी 10 pound की है ये। ऐसे ये क्रॉकरी आइटम्स है, नाइफ्स हैं ये बड़े बड़े सब। यहाँ पे ये सारे स्पैचुलास हैं, तो ये भी लाइक 4 pound 6 pound के ऐसे हैं। तो आगे आप आएंगे तो यहाँ पे सारे कप्स हैं, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप्स हैं। आपको जैसा लेना है, लाइक 4 pound के हैं, 5 pound के हैं, तो उसी हिसाब से है, लाइक आप पसंद कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। वाटर है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह हमें फ्रेश कोकोनट वाटर मिलता है, सब पैकिंग में आते हैं, टाइट्रा पैकिंग में। तो इसमें भी फ्लेवर्स हैं, सबसे बड़ी बात ये है, इसमें भी चॉकलेट फ्लेवर है, अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर लेना है तो, या फिर आपको ओरिजिनल फ्लेवर लेना है। तो ये है 4 pound का, यानी कि 400 rupees का। एक इनोसेंट कोकोनट वाटर है, फिर उसके बाद ओरिजिनल है, और फिर चॉकलेट है। एक कोको भी है, ये एक कोको प्रेस्ड कोकोनट वाटर भी है। तो इसमें भी फ्लेवर्स हैं। हम अब आपको ब्रेड दिखाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड होती है, लाइक मोर देन 20 टाइप्स ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे एक फ्रेश बेकरी होती है, सो आपको फ्रेश बेकरी ब्रेड बेक होती है और आपको फ्रेश मिलती है। तो जैसे कि ये ब्रेड है, इसका नाम है जिराफ ब्लूमर ब्रेड। ये 1.35 की है, यानी कि 135 rupees की। इसी तरीके से ये नेक्स्ट आ जाती है आपकी मल्टीग्रेन ब्रेड भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज व्हाइट ब्रेड खानी है या ब्राउन ब्रेड खानी है, उसमें भी तरह तरह के फ्लेवर्स आ जाते हैं। तो मल्टीग्रेन ब्रेड है। उसके बाद ये एक हैंडक्राफ्ट कोबर्ग ब्रेड, ये है 1 pound की। उसी तरीके से आपके पास ये डिफरेंट ब्रेड आ जाती है, मल्टीग्रेन में भी डिफरेंट टाइप की ब्रेड आ जाती है। ये 2.25 की, यानी कि 225 rupees। और असली ब्रेड, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड होती हैं, ये फ्रेंच ब्रेड होती है और ये फ्रांस में खाते हैं, ये मुझे अभी अनमोल ने बताया है। तो ये है आपकी 130 rupees की। इसको यहाँ ब्रेड का यहाँ पे बिग कलेक्शन है। और दिखाते हैं आपको। सो अब हम आ गए हैं ये फ्रूट आइल में। सो हम मेलन लेने आए हैं। तो मेलन है, ये एक मेलन है 2 pound का, यानी कि 200 rupees का। तो ये स्पेन से आए हैं, स्पेन के हैं, आई डोंट नो कौन सा अच्छा है। तो ये यहाँ पे घिया भी है। तो घिया ये इंडिया से घिया आया है और ये यहाँ पे है 525 rupees किलो। तो शायद इतना महंगा घिया मैंने कभी देखा भी नहीं होगा, 525 rupees किलो। हम दही लेने आए हैं। तो हम लोग तो जैसे कि प्लेन दही खाते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की भी दही है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की दही है, वेनिला फ्लेवर है, लेमन कर्ड है, पीच है, और ये भी पीच एप्रिकॉट है, मैंगो पाइनएप्पल है। सो हर चीज में वैरायटी मिलेगी आपको, हर चीज में फ्लेवर मिलेंगे, आप किसी भी चीज में फ्लेवर ले सकते हैं। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, इवन पपाया दही भी है, पपाया फ्लेवर्ड योगर्ट भी है यहाँ पे। तो हाँ, ये है कि जिसको प्लेन ना खानी हो, कई बार क्या होता है कि बच्चों को प्लेन योगर्ट पसंद नहीं आती, तो उनको आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में योगर्ट खिला सकते हैं। तो आपको बिलिंग भी दिखाते हैं।
तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि आपको बिलिंग के लिए क्यू में नहीं लगना पड़ता। हालांकि है कुछ, अगर आपको क्यू में लगना है तो आप क्यू में भी आप बिलिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको खुद करना है तो आप सेल्फ बिलिंग का यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है। बस यहाँ पे काफी सारे जैसे कि ऐसे बने हुए हैं स्टेशन, आपको अपना सामान लेना है, बिलिंग करनी है और बस यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करनी है। और कई कई जगह पे कैश की भी पेमेंट होती है कई मशीन्स में यहाँ पे हैं जैसे कि, बट आप कार्ड से भी यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे कि कार्ड से पेमेंट करें। तो ये अच्छा है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप सेल्फ बिलिंग कीजिए और फिर अपना लीजिए सामान। बर्थडे सेलिब्रेट करके और थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, लाइक मिल्क एंड योगर्ट लेना था वो करके, और अभी शाम के बज रहे हैं 8:30। आप अभी भी देख सकते हैं कितनी रोशनी है। एनी हाउ लाइक ये कहीं अच्छी चीज़ भी है कि दिन लंबे हो जाते हैं, लेकिन अब हम घर जा रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो हमारे ब्लॉग में तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू, बाय।